हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मेरा आंसू आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्याज काटा था इसलिए। तो आज है संडे और सुबह सुबह मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या करते हैं। तो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो मेरा आज कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। पास्ता वगैरह ये सब नहीं कर रहा था मन, तो मैंने सोचा कि मैं आज ना बेसन के चिल्ले बनाती हूँ। और फिर कुछ मीठा खाने का भी मन करता रहता है, तो मैं मम्मी को बोली, क्योंकि वो मुझे आता नहीं है, मम्मी बना रही है मीठे चिल्ले। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बेसन के जो चिल्ले हैं वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने सारी तैयारी कर ली है, मेहंदी लगा दी। तो भाई, मम्मी अपनी मेहंदी की तैयारी कर रही है, उसमें मेहंदी बोलेंगे अपनी। मम्मी बनाते हैं काली मेहंदी, ये वाली हर्बल ना मम्मी, यही मम्मी लगाती है। तो मेरी दोनों मम्मी हैं, ये वाली मेहंदी लगाती है। और गाइस, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च काट ली है बारीक, और प्याज और टमाटर, और ये बेसन का घोल मैंने पहले ही कर लिया था, मैंने ध्यान नहीं रहा, मुझे ब्लॉग बनाना है। तो गाइस, ये ना क्या बोलते, थोड़ा 10 मिनट पहले करना पड़ता है, इसलिए तो मेरे को हो गए 2-4 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। थोड़ा इसको छोड़ेंगे 10 मिनट तक। ये सारी मैंने तैयारी कर ली, और सारे मसाले ऐड कर देंगे, वो मैं दिखाऊँगी आपको। दोनों पैकेट ये भी लगाओ, सही अच्छे से लग जाएंगे, वाइट ज़्यादा हो गए। तो गाइस, फटाफट से नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज वो जल्दी जाएंगे कोचिंग, तो लेट हो जाऊंगी मैं। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसे क्या बनेंगे, पर मैं बनाती रहती हूँ। पर मैं सूजी के बनाती हूँ, बस वो तवे पे जो है ना वो सब सही हो, बाकी तो सारा मैंने अच्छे से बना लूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। हमारा मेरा सो रहा है, देखो तो ये अभी उठेगी 8 बजे तक, वो भी बहुत मुश्किल से उठाऊंगी मैं इसको। और फिर दोपहर में ना परेशान करती है बहुत ज़्यादा, सोने की आँखों में जलन हो गई। मैं प्याज काटती ही नहीं, मैं हमेशा मम्मी से कटवा लेती या उनसे, पर आज मम्मी ऊपर कुछ काम कर रहे थे, मैंने सोचा फटाफट मैं ही काट लेती हूँ। तो गाइस, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। और हाँ गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो मेरा मूड भी थोड़ा सही है। मुझे ना सुबह सुबह इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, किचन में जाने का मन नहीं करता, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाऊँ बस, पर बनाना पड़ता है यार। तो और ऐसा सोचता है आज तो थोड़ा आराम आराम से काम करेंगे, तो पर आज भी कोचिंग वोचिंग का हो जाता है, तो हमेशा फिर वही जल्दबाजी में करना पड़ता है सब कुछ, और उठने में भी लेट हो जाती है। संडे को सोते रहता है यार, संडे ऐसा सबके साथ ही होता होगा, तो यही मेरे साथ है। पर रात को लेट हो गई थी, तो आज तो थोड़ा मैं लेट ही उठी थी, नहीं तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, और दिन से तो थोड़ा लेट उठती हूँ। तो चलो फटाफट से, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करके फटाफट तैयारी करती हूँ। तो गाइस, थोड़ा लाल मिर्च लेंगे, हींग डाल ले, और बस थोड़े से ये भी ऐड कर लेते हैं। मम्मी, इसमें वो डालना पड़ेगा जीरा, अभी अभी तो मैं डाल देती हूँ, फिर मैं वो बनाऊंगी ना सब्जी, फिर डाल लूँगी। तो गाइस, बस इसमें और नमक डालेंगे, हींग डाल लूँगी, यही डाल मसाले। तो गाइस, मैंने सारे इसमें डाल दिए, और घोल हो गया तैयार मिक्स करके, और देखो अच्छा घोल किया पतला पतला। और मम्मी ने मीठा किया है, जो इधर किया ये मम्मी ने किया। तो फटाफट से मैं बनाने की तैयारी करती हूँ, और हमारे खिलाड़ी साहब जा रहे हैं खेलने के लिए। कोचिंग भी जाओगे, खेलने भी जाओगे? यस। तो गाइस को कुछ कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गोइंग? तो गाइस देख लो, इनको मेरे को बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने के लिए भी, तो ये ब्लॉग कहाँ से बनाएंगे मेरे साथ, है ना? तो गाइस, फटाफट से अब मैं तैयारी करती हूँ। तो गाइस, चिल्ला रेडी है, और मैंने देखो ऐसा कुछ सेटअप किया है। खुद को हंसी आ रही है। तो गाइस, लेके जाते हैं एक बार। आपके लिए स्पेशल। थैंक यू सो मच। ये मेरा
मेरा थोड़ा सा मस्का लगाने का था, मेरे को घुमा के लाएंगे। मलाया कल में, आज संडे है ना गाइस, इसलिए आज भी घुमा के लाएंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाहूंगी, मम्मी को तो दिखाओ यार, चपका दोगे उसको दिल को। मम्मी गाइस, मम्मी को भी दिखाते हैं, मम्मी को मैं हर शेयर करती हूँ, इसको छोड़नी है। मम्मी मम्मी गाइस ऊपर पहुंच जाते हैं जब देखो, तभी छत पे पता नहीं क्या है। मम्मी नीचे आओ, तो गाइस मम्मी के लिए, मम्मी को दिखाए यार, उसके उसको उठा ही कर दिया, मतलब सबर नहीं था। कैसा बना, टेस्टी? मम्मी झाड़ू नहीं लगेगी अभी छत पे, मैंने देख कैसे बनाया। मम्मी जो लिखा है वो तो देखो, अच्छा बना रहा। नमक कम है, ठीक है थोड़ा और नमक डाल दूंगी। सो गाइस, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया है और रसोई बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब मुझे करने झाड़ू पोछे, 10:30 हो गए, आज तो लेट हो गई मैं। तो ये देखो रसोई बिल्कुल क्लीन है, बर्तन वर्तन सारे साफ हो गए और मायरा ऊपर खेल रही है, मम्मी उसको रख रहे हैं ताकि मैं नीचे अच्छे से क्लीन वगैरह सारा डस्टिंग करनी है और झाड़ू पोछे करना है, फिर नहाएंगे। तो अभी तो यही अपडेट है और वापस से गाइस, थोड़ा आज दो दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही और आज हवा चल रही है, मैंने गेट खोल रखा है पीछे का, तो गर्मी तो इतनी नहीं है और मुझे तो हल्की फुल्की होती तो भी थोड़ा बहुत ऐसे लगता रहता है, जी ऐसे घबराता रहता है, पता नहीं अभी ये मौसम ऐसा है क्या है। तो फटाक से अब जल्दी से मैं पोछा ओछा लगा लेती हूँ और फ्री होके फिर आपसे मिलती हूँ और देखती हूँ मम्मी ने मेरा सूट सिल दिया क्या। सॉरी दीदी ने, मम्मी की याद आ रही है, दीदी ने मेरा सूट सिल दिया गाइस, इतना सुंदर सूट सिलवाई हूँ मैं, तो देखती हूँ उसकी क्या अपडेट है, मैं दीदी से पूछूँगी, अभी सिल दिया होगा तो रील बनाऊँगी आज। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। और गाइस जब तक नहाते नहीं है ना और घर का काम करते तब ऐसे लगता है, पता नहीं कैसे अजीब से लगता है, ऐसे अजीब, मेरी तो हालत इतनी ख़राब रहती है, मतलब मैं घर का काम करती हूँ तब कंडीशन ही ख़राब रहती है, मैं देखती भी नहीं हूँ कि मेरे क्या हो रहा है, ऐसे मैं घर के काम में से पागलों जैसे लग जाती हूँ, ताकि फटाफट से हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो यही है, तो मेरी तो हालत ऐसी रहती है, तो इग्नोर करना। तो फटाफट से मिलते हैं बाद में आपको। अब ये रखेगी कितनी देर वो देखो, ये देखो। तो गाइस अभी मैंने लगवाई मेहंदी सरिता से, ये देखो तो मायरा कर रही है पढ़ाई। और गाइस देखो ये अपने बैग में क्या क्या रखती है, वो दिखाती हूँ आपको। तो ये अपने बैग में ये रखती है बिट्टू, इसको तो हटा दे, तो देखना गर्दन वर्दन कहाँ गई इसके, दिखाओ ये वाली बुक, दिखाओ आपकी काकू लाए जो, ये वाली दिखाओ काकू वाली, अरे दिखाई ये एक मिनट, ये रही इसकी गर्दन। कैसे हंस रहा है मेरा चूतू, इसकी गर्दन हटा के क्यों रखते हो, लगा दो उसके, नहीं मेहंदी हट जाएगी। तो गाइस मेरा मन कर रहा था मेहंदी लगवाने का, तो मैंने लगवाई है सरिता से मेहंदी। खाना वाना खा के फ्री हुआ है, मेरी मायरा पढ़ाई कर रही है, कर ली गाइस देखो अपनी सारी चीजें ना बैग में डाल के रखेंगे, सब चीजें है ना मायू, डाल दो ऐसे फैला के नहीं पटकती, वो समझदार है मेरी बेटी, है ना। हाँ
गाइस, पूरे दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, लाइट नहीं आई थी आज, पूरे दिन कटोती रही थी, तो मेरी यहाँ से नहीं, मेरे मेरी आँख में भी रेड हो रहा है ना। ऐसे चला के देखो, ओ ना चला के देखो अंदर पानी आएगा। तो भाई पता नहीं हमारी एसी में क्या हो गया, पानी है ना बाहर उसमें नहीं जा रहा, रूम में ही आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। सो गाइस मिलते हैं मॉर्निंग में। हेलो गाइस, ये मेरी बुक्स है सारी। अपने कलर्स दिखाओ, अपने कलर। नीला कलर दिखाई, देखो मेरे कलर दे दे और मेरी बुक देख ले। हिंदी देखो मम्मा की, मम्मा की छड़ी नहीं है, छड़ी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और मेरी हिंदी देखो नहीं है, हिंदी देखो मेरी, फिर मेरी बहुत ही दूसरी बहुत ऐसे मत करो, हाँ बोलो। और दाई देखो, और मैं दाई बुखार किसके हो रहा है, मेरे हो ही नहीं रहा। मेहंदी दिखाओ अपनी गाइस को, ऐसे ही दिखेगी, ऐसे मौसी ने लगाई। कौन सी मौसी ने लगाई, तांत्रिक ने कंफर्म किया कि सच में चुड़ैल। कौन सी मशीन लगाई, नाम बताओ, कौन सी मशीन लगाई। सरिता मौसी ने, थैंक यू मौसी, थैंक यू मौसी। ये मैंने धोती भी, अब ड्राइंग दिखा दो, ड्राइंग दिखा दो, ये ऐसे करके दिखाओ, ड्राइंग दिखाई दे रहा ना, ऐसे दिखाओ। अरे दिखाई भाई, मेरी दुआ तो सबसे छोटी, अब देखो मेरी मम्मी तो छोड़ तो मेरी दाई। बस अब रखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और मेरी मेहंदी का कलर बहुत प्यारा है, और अभी टोर आएगा शायद, पर अब तो मैंने धो ली क्योंकि सुबह सुबह किचन में काम करना पड़ा, तो फिर मुझे वॉश करना पड़ा इसको, तो अच्छी लग रही है। और अभी बारिश के मौसम में मेहंदी कितनी प्यारी लगती है, इसलिए मैंने, मेरा मन करा था तो फिर मैंने लगवा ली। और बस अभी इनका टिफ़िन विन पैक किया है, नाश्ता दिया है, और अभी वो नाश्ता कर रहे हैं, लगेंगे अगले काम में, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब करूँगी। किचन का हो गया, नाश्ता बन गया, सब्जी बन गई, आटा वाटा लगा के रख दिया, अब हमारा खाना बनाना होता है। उनका बना के टिफिन पैक हो गया, मायरा अभी सो रही है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है, 8 बजे तक परेशान कर देगी, जब 8-8:30 बजे तक उठती है, फिर बाद में नाश्ता करेंगे, ये इसके उठने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो अभी चलते हैं, ऊपर जाऊंगी, देखूंगी पेड़ पौधे, क्योंकि बारिश इतनी हुई थी, तेज बारिश हुई थी, और झाड़ू वाड़ू लगाएंगे थोड़ी, तो आपसे
बारिश आती है ना तो छत साफ नहीं होती, बहुत गंदी हो जाती है। ये देखो कितनी गंदी हो गई, पता नहीं ये वाइट वाइट उतरता ना इससे, तो ये कलर भी करवाएंगे यार अभी थोड़ा, सारा ही करवाऊंगी। तो गाइस मेरे पेड़ पौधे सूख भी गए, कुछ दिखाऊँ आप। तो ये वाला प्लांट सूख गया, ये वाला सूख गया, छत की कंडीशन ये वाइट वाइट उतर गया। तो गाइस मेरी माई उठ गई आज जल्दी, क्योंकि मैं अभिषेक का फ़ोन आ गया था तो फिर ये उठ गई, और अभी मैंने आपको बोला था कि इसको उठाना मुश्किल है और आज ही उठ भी गई। गुड मॉर्निंग कर दो, हेलो गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। और आज मैं जल्दी उठ गई, और मैं बोल रही सो जा अभी टाइम नहीं हुआ तेरा, तो बोल रही है कि अभी सुबह हो गई, सुबह हो गई, पता चल गया आज आपको सुबह हो जाती है जल्दी, तो आप उठते क्यों नहीं हो फिर। आप तो नहीं उठते, मम्मा तो जल्दी उठ जाती है। चलो देखो मेरा मायू, मेरा माय नहीं, मेहंदी देखो क्या माऊ, मेरी मेहंदी दे दो, सुंदर लग रही है ना, तो नहीं लग रही, लग रही है आपकी दिखाओ कैसी लगी। ओ वाह आपकी भी रच के देखो, देखो देखो कितना सुंदर फ्लावर है, है ना सुंदर फ्लावर। तो चलो अब उठो मैं, फिर चल फटाफट से बेड सही कर दूँ, बेड बना दूँ, आप हेल्प करोगे ना मम्मा की, करेगा हेल्प, वेरी गुड, हेल्प करता है मारा मेरी। अब जल्दी से पहले, पहले तो आप है ना मुँह दो, पानी पियो, चलो सुसु करके आओ, फिर आप बेड बनाना, ठीक है, तेरी मम्मा की हेल्प करना, सारा काम करता है मेरा माऊ, छोड़ो कम कोटो, चलो बेड नहीं बनता, ठीक है तो फिर आप, मैं बेड बनाऊंगी, आप डस्टिंग कर देना, ठीक है, आप कपड़े से साफ कर देना, ड्रेसिंग वगैरह सोफे ड्रेसिंग मम्मा करती है ना, वैसे आप करते हो ना, आप कर देना, मम्मा बता देगी आपको। चलो 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 भैया, मम्मा और मायू दोनों काम करेंगे घर का, जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे और फिर हम मस्ती करेंगे, ठीक है। मम्मा को तो गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई लव यू, चलो चलो दादी को, दादी को भी राधे राधे बोल के आओ, राधे राधे दादी सा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोला करो आप तो, नहीं वो दादी है, वो दादी, हाँ तो दादी को ही तो बोल रही हूँ, दादी सा बोला करना बिट्टू, दादी बोलेगा, ठीक है जो आपका मन करे वो बोलो, ठीक है, चलो बाय गाइस, बाद में मिलेंगे आपसे। सो रहा है हाँ छोड़ रहा है मेरा बिट्टू तो गाइस देखो मेरी मायरा कितनी जल्दी बड़ी हो गई, सारी हेल्प करवाने लग गई मेरी, बस हो गया, अभी नहीं हुआ छाप, ठीक है कर लो। तो गाइस मैंने बेड बना दिया, फटाफट से और काम करते हैं, तो चलो अच्छे से कर लो है ना। सो गाइस अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आज मैंने पहना है बेस, मेरा मन कर रहा था, और कभी कभी रेडी होना चाहिए, तो मैंने अपना पुराना लहरिया पहना है, और मैं नहीं लेके नहीं आई हूँ, मार्केट जाने का हो ही नहीं रहा, अब यही दिक्कत है यार, मैं अकेले जा नहीं सकती अभी सिचुएशन में। और मेरी मायू भी रेडी हो गई, मम्मा दादी रेडी भी आते थे,
लड्डू भैया के घर। लड्डू भैया के घर क्या करेंगे? मैं तो ऐसे रेडी हुई हूँ। तो गाइस मैं मायरा को ऐसा लगता है कभी बेस वेस पहन लेते हैं तो कहीं जा रहे हैं बाहर। मैं तो ऐसे रेडी हुई हूँ। अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं। कैसी लग रही हूँ? जल्दी बताओ कैसी लग रही हूँ? गंदी लग रही हूँ। ठीक है तो फिर आप भी गंदे लग रहे हो, मम्मा भी गंदी लग रही। तो जल्दी से नजर उतारो मेरी। तू तू करो। तू क्या कर रहा है? देख मेरे कान चुभ, कानों में एयरिंग्स चुभ गए बेटा। एयरिंग्स चुभ रहे, एयरिंग्स चुभ रहे, एयरिंग्स चुभ जाते हैं। सो गाइस अभी रेडी हो गए, मैं एक दो रील भी बना लूंगी। कैसे लग रहे हैं मैं और मायरा दोनों? हाँ बस यही डिमांड तो बाकी थी अभी। हाँ दूंगी। आपके बैग में कितनी सारी दी है ना मैंने वो। तो गाइस ठीक है, तो गाइस और मैंने मेहंदी लगाई थी ना तो लग भी सुंदर रहा है, हाथ भी ऐसे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मैंने अपना चूड़ा भी पहन लिया। तो गाइस कभी कभी रेडी होना चाहिए घर पे, ऐसे ही रहता है। और अभी मम्मी आ जाता है, मम्मी गए हुए मेरा सूट लेके पिको के लिए। मम्मी आ जाता है फिर एक दो रील बनाऊंगी। हाँ हाँ क्या गई? एक तो ना गर्मी इतनी हो रही है कि क्या रेडी हो यार, किसी चीज़ का भी मन नहीं करता सच बताऊँ तो। पर हाँ चल चल। तो गाई जी देखो ये वाला लहरिया भी अच्छा लगता है और इसका कलर बहुत प्यारा है। तो और ये मैंने मतलब जो सावन चला गया मतलब पिछली बार मैंने एक बार ही पहना था, उसके बाद बिल्कुल भी टच नहीं किया। और आज पहना इसको धोया भी नहीं मैंने, बस उस दिन थोड़ी देर पहना रील वगैरह बनाई और वापस से मैंने यही सोचा कि आज वापस से वही पहन लेते हैं। फिर अब दूसरा सिल्के आएगा तब देखेंगे। सिल्के क्या अभी तो लेके आना है मुझे ख़रीद के। और फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि यार अब क्या करूँगी, साइज वाइज का दिक्कत होगा अभी इसलिए। पर मेरे सारे सूट है ना जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सूट नहीं आ रहे, आ जाते हैं मेरे। वैसे मोटी नहीं हुई मैं। तो ये मेरा मायू है। सो गाइज मेरा सूट सिल चुका है, जो मैंने बताया था आपको दीदी सिल रहे हैं। बहुत सुंदर सूट सिला है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओट किस आएगा? ओके हाँ। अभी देरी रुको। तो गाय ये वाला मेरा सूट है। गाइस मैंने इस पे ना जवारी लगवाया है ऐसे मम्मी से, और ये मैंने ऐसे रेडी करवाया है। मेरी हालत अच्छा ठीक है ले, तो गाइस मेरी हालत तो बहुत ख़राब है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना के आई हूँ इसलिए। बहुत सुंदर लग रहा है ये सूट। मैंने बताना गाइज आपको कैसा लगा। तो ये 4 मीटर का मतलब मेरे पास बेस था तो उसका मैंने ये सूट बनवा लिया। अच्छा लग रहा है ना दीदी? गाइज बहुत अच्छे सूट सिलती है। उसके झूमर भी लगवाया मैंने, दिखाऊँ आपको लटकन इसके सब दिखा देती हूँ आपको। ये देखो लटकन तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। इसको ये काम है, ये बच्चा किसका सो रहा है इसलिए ले रहा था क्या? और ये दुपट्टा सो गाइस अभी खाना वाना खा के हुए हैं फ्री। और इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। और हमेशा क्या होता है हर व्लॉग में मैं एंड करना भूल जाती हूँ। और ये मेरी मायू अभी सिन्हा आया है, ये अभी इसको नहीं लाया है मायू। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट आ जाओ, गुड नाइट बोलो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।